नॉट अ बिग फैन, मेरे को वो पता नहीं, मेरे फोन में है भी नहीं, और वो एक तो अपने क्रिंज के लिए बड़ा बदनाम है, तो मैं वो उसमें घुसना नहीं अभी जो उसका चाहता। कंटेंट थोड़ा और मैच्योरिटी फेज में नहीं है, मैच्योर हो रहा है वो धीरे धीरे, तो इस वजह से यार बदनाम देखो, है मेरे को उसको। समझ, तुम एक चीज समझने की कोशिश करो कि ये जो प्लेटफॉर्म्स है, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, दे आर एंटरटेनिंग जनरल एंड एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स। फेसबुक इज प्योरली फॉर एड्स, राइट? यूट्यूब रन ऑन एड, उसका बेसिक बिजनेस इज एड्स। आप कंटेंट क्रिएट करते हो जो लोग आके देखेंगे, तो और जो हेल्थ वाले जो रहते हैं ना, दे आर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज। सो कोई भी आदमी यूट्यूब खोलता है या टिकटॉक खोलता है ना, तो वो कुछ सीखने नहीं आता है वहाँ पे, दे कम विद द इंटेंशन ऑफ गेटिंग एंटरटेन्ड। नहीं आप नहीं उसमें अपना हेल्थ वीडियो नहीं घुसाते हो तो डिसएग्री करूंगा मैं कि आपका बेसिकली आपका कंटेंट जो होता है ना, दो तरीके में हम बांट सकते हैं या फिर तीन तरीके बोल सकते हैं। एक तो एंटरटेनमेंट, वो प्योरली एंटरटेनमेंट है, जो आप देखते होंगे टिकटॉक वगैरह आपने या फिर इंस्टाग्राम पे भी देखा ही होगा, लिप सिंक वीडियोस आती हैं और ट्रांजिशन आते हैं टिकटॉक पे, बहुत बहुत चीज़ें हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, व्लॉग्स वगैरह, एक एंटरटेनमेंट कैटेगरी हो गई। एक होती है यूटिलिटी कैटेगरी कि आपने कुछ करना सिखाया उसको। अब इंस्टाग्राम जैसे आप डॉक्टर्स ऑब्वियसली सर्च करते हैं कि हाउ टू मार्केटिंग फॉर डू टू मार्केटिंग फॉर डॉक्टर्स, या फिर इंस्टाग्राम कैसे संभाले डॉक्टर होके, या फेसबुक एड्स कैसे रन करते हैं डॉक्टर होके, तो ये यूटिलिटी के अंदर आ जाता है। उस पर व्यूज कम नहीं है, लोग बहुत डॉक्टर्स देखते हैं उसे, बहुत नॉन डॉक्टर्स जो होते हैं वो भी देखते हैं उसे कि क्या पता कुछ हमें इनसाइट मिल जाए इसके अंदर। और एक हो गया प्रोडक्टिविटी कह सकते हैं हम एक तरीके से, कि एंटरटेनमेंट से अलग है वो, लेकिन कुछ लोग सीखने के लिए भी आते हैं बेसिकली। अब डिपेंड करता है कि वो बंदा किस डे पे और किस माइंडसेट पे है। अब डे के अगर सुबह सुबह आप उठे हो, सुबह सुबह आप एंटरटेनमेंट नहीं देखते कभी भी, सुबह सुबह आप न्यूज़ चेक करोगे अपनी या फिर ऐसा कुछ चेक करोगे जो आपके डे में हेल्प करेगा। अब आफ्टरनून हुई 1-2 बजे, आपने खाना वाना खा लिया, तो आप यूट्यूब पे कोई कॉमेडी वीडियो या तो कोई स्टैंड अप वगैरह वो कर लोगे, प्ले कर लोगे इस तरीके से। तो हमें लगता है नहीं, कि मैं तुमको डे के हिसाब से बहुत ये ज्यादा समझा, इफेक्ट करता है कि नहीं, किस मेरे डे को ये पे। समझाना था कि कैसे ना, ये सारे प्लेटफॉर्म व्यूज और इस पे काम करते हैं, मतलब कितना आप, कितने लोगों ने वॉच टाइम और कितने सब्सक्राइबर्स और ये सब। सो दैट इज अ गेम विच इज बेटर प्लेड इफ यू आर इन द एंटरटेनमेंट जॉनर, वैसा। नहीं, क्योंकि एडुकेशन एडुकेशन में भी हो सकता है, एडुटॉक नहीं, नाम हो से। सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ, एडुटॉक, आई नो, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, हो सकता है, बट वो उसका डिजाइन प्राइमरीली उसके लिए नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, उसको व्यूज और दे हैव टू प्ले द गेम ऑन द बेसिस ऑफ हाउ, व्हाट द ऐप डिक्टेट्स। लाइक यूट्यूब वर्क्स ऑन सब्सक्राइबर्स एंड वॉच टाइम एंड ऑल दोस थिंग्स। तो अब आपको तो इन्फॉर्मेशन देनी है, आपको हेल्थ इन्फॉर्मेशन देनी है, तो वो तो बोरिंग होगी। अभी मेडिकल की कोई भी चीज बात करो तो वो कोई बहुत ऐसे एंटरटेनिंग नहीं होती है, वो तो बोरिंग होती है, तो लोग नहीं देखेंगे, बिकॉज उनके पास दूसरे ऑप्शन है, वो जाकिर खान का वीडियो देखेंगे, मेरा क्यों सुने। ओके तो बट सो देन यू ट्राई okay. टू पुट समथिंग इनटू इट व्हिच मेक्स इट एंटरटेनिंग, एंड देन यू लूज द मीनिंग ऑफ द कंटेंट। अभी मुझे अगर अपेंडिक्स के बारे में बात करना है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के बारे में बात करना है, तो मैं उसको एंटरटेनिंग बनाने के चक्कर में हो सकता है कि मैं उसको इतना तोड़ मरोड़ दूँ, फैक्ट्स को हाँ, आप खराब कि कर दें। लोग देख तो लेंगे बट उसमें कुछ मतलब अब वैल्यू नहीं ये बची। मैं मानता हूँ कि एंटरटेनमेंट के लिए ज्यादा प्रेफरेबल होते हैं ऑडियंस को तो कंटेंट। टिकटॉक हैज अ लॉट ऑफ पीपल हु आर गिविंग कचरा इन्फॉर्मेशन, मे बी हाँ बिकॉज दे वॉन्ट, तो इसके लिए आई डोंट वॉन्ट टू एंटर दैट स्पेस, बिकॉज मुझे उनके साथ कम्पीट करना नहीं है। मेरे को नहीं चाहिए कि मैं उसमें घुस के उनको बीट करने की कोशिश करूँ, बिकॉज मैं वो नहीं कर पाऊंगा। मैं लोगों को